बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। PPSC एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए साइंस MCQs के आज के पार्ट नंबर 3 के अंदर हम हाजिर हैं। आज के इस वीडियो नंबर 3 के अंदर हम 50 MCQs का जायजा लेंगे जो क्लास 1 से क्लास 10 तक के जनरल साइंस की बुक से इकट्ठे किए गए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने 150 MCQs, पार्ट 2 के अंदर हमने 50 और आज के पार्ट 3 के अंदर भी इंशाल्लाह 50 MCQs का जायजा लेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उन दोनों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट नंबर 3 का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लास्टिक इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि प्लास्टिक के अंदर में से जो दर्जा हरारत होता है वो किस तरह गुजरता है। 3 ऑप्शन है, गुड, पुअर या वीक। तो इसका जवाब पुअर, यानी कि प्लास्टिक में से जो हीट होती है वो ज्यादा नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग, आसमान पर चमकने वाले तमाम सितारे किस चीज के बने होते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, वुड, कोल, गैसेस। तो इसका जवाब है गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, जमीन सूरज से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है। 3 ऑप्शंस हैं, 130, 140, 150। तो इसका जवाब है 150 मिलियन किलोमीटर जो जमीन है वो हमारे सूरज से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून इज किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, चांद जमीन से कितने किलोमीटर दूर है। 3 ऑप्शंस हैं, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख किलोमीटर। तो इसका जवाब है 4 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मून टेक्स अबाउट डेज टू गो वंस अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द अपना चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, 14, 21 या 28। तो इसका जवाब है 28। तो यही वजह है कि चांद हमें 29 का या 30 का हमें नजर नहीं आता, क्योंकि ये अपना चक्कर 28 दिनों में मुकम्मल कर चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जमीन का कितना हिस्सा पानी से कवर है। 3 ऑप्शन है, 1/2, 3/4 या 1/4। तो इसका आंसर है 3/4। जमीन के अगर हम 4 हिस्से करें तो उसमें से जो 3 हिस्से हैं वो पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन टू मेक विटामिन, सूरज की रोशनी हमारे जिस्म के अंदर कौन सा विटामिन बनाने में मदद करती है। 3 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, डी। तो इसका जवाब है विटामिन डी। सूरज की रोशनी विटामिन डी के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज ए, सूरज क्या है। 3 ऑप्शंस हैं, मून, स्टार या प्लैनेट। तो इसका जवाब है स्टार, यानी कि एक सितारा है। सितारा ऐसी चीज को कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द, हमारी जमीन के ऊपर टेम्परेचर और रोशनी कहाँ से आ रही है। 3 ऑप्शंस हैं, सन, मून या स्टार्स। तो इसका जवाब है सन, यानी कि सूरज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए लेयर ऑफ अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द किस चीज की लेयर है। 3 ऑप्शंस हैं, वाटर, एयर या स्मोक। तो इसका जवाब है एयर, यानी कि हमारे जमीन के गिर्द गैसों का या हवाओं का एक मजमू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द अर्थ विच हैज मैनी ओशंस, माउंटेन्स एंड कंटिनेंट्स इज द, जमीन की वो सतह जिसके ऊपर पहाड़, दरिया, समंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, जमीन की इस सतह का क्या नाम है। 3 ऑप्शंस हैं, क्रस्ट, मेंटल या कोर। तो इसका जवाब है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जमीन का सबसे गर्म तरीन हिस्से का क्या नाम है। 3 ऑप्शंस हैं, मेंटल, इनर कोर या आउटर कोर। तो इसका जवाब है इनर कोर, यानी कि जमीन जो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ वाटर, हमारे जिस्म का कितने फीसद हिस्सा पानी से बना हुआ है। 3 ऑप्शन है, 1/4, 1/2, 3/4। तो इसका जवाब है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं उनका क्या नाम है। 3 ऑप्शन है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और थर्ड है ओमनीवोर्स। तो इसका जवाब है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, जबकि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उनको क्या कहा जाता है। 3 ऑप्शन है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स। तो इसका जवाब है कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बटरफ्लाई हैज लेग्स एंड विंग्स, एक तितली की कितनी टांगे और उसके पर होते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, 2, 4, 6, 4 या 4, 6। तो इसका जवाब है 6, 4, यानी कि 6 उसके लेग्स होती हैं और 4 उसके विंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड, किसी भी कीड़े के जिस्म के दरमियान वाले हिस्से का क्या नाम होता है। इसके 3 ऑप्शंस हैं, हेड, थोरैक्स ये अब्डोमन। तो इसका जवाब है थोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स हैव नो, परिंदों के अंदर क्या नहीं होता। 3 ऑप्शंस हैं, बीक, क्लॉज या टीथ, यानी कि परिंदों के दांत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इज एन एनिमल
that spends part of its life in water and part of it on land. ऐसे जानवर जो खुश्की और पानी दोनों में जिंदगी गुजारने की सलाहियत रखते हैं, इनका क्या नाम है? तीन ऑप्शंस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स। तो इसका जवाब है एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूट इज मेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द कार्पल कॉल। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो फूल के किस हिस्से में बनते हैं? तीन ऑप्शंस हैं, स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी। तो इसका जवाब है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम की तमाम चीजें किस चीज की बनी हुई हैं? तीन ऑप्शंस हैं, वुड, मेटल या मैटर। तो इसका जवाब है मैटर, यानी कि मादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर स्टेट्स ऑफ मैटर। मादे की कितनी हालतें होती हैं? तीन ऑप्शंस हैं, एक, दो, तीन। तो इसका जवाब है तीन, यानी कि ठोस, माया और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। मादे के सबसे छोटे जर्रे का क्या नाम है? तीन ऑप्शंस हैं, एन एटम, ए मॉलिक्यूल, एन एलिमेंट। इसका जवाब है एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर इज फिल्ड विद। थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए हम टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो उस थर्मामीटर के अंदर कौन सी चीज डाली जाती है? तीन ऑप्शंस हैं, वाटर, मरकरी या ऑयल। तो इसका जवाब है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फारेनहाइट इज। इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है फारेनहाइट के अंदर वो कितना होता है? इसके तीन ऑप्शन है, 98.6, 100.6 या 102.6। तो इसका जवाब है 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी द कलर्स ऑफ थिंग्स बिकॉज दे लाइट। हम किसी भी चीज का जो कलर है वो किस वजह से देखते हैं? तीन ऑप्शन हैं, अब्सॉर्ब, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट। इसका जवाब है रिफ्लेक्ट। हमें कोई भी किसी चीज का जो रंग नजर आता है दरअसल वो इस वजह से नजर आता है कि वो चीज, वो वाला रंग जिसके अंदर वो चीज खुद नजर आ रही है उस चीज को वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको वो मतलब जो है वो जज्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज काली नजर आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो काली रोशनी को रिपेल कर रहा है, उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर कलर्स इन ए रेनबो। बारिश के बाद बनने वाली दनक के अंदर कितने रंग होते हैं? इसके ऑप्शन हैं 4, 6, 7। इसका जवाब है 7। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज। सूरज के करीब तरीन सियारा कौन सा है? तीन ऑप्शन हैं, मरकरी, वेनस या अर्थ। तो इसका जवाब है मरकरी, जबकि हमारे जो ये अर्थ होती है तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर इज द प्लैनेट। जुपिटर ये भी एक सियारे का नाम है, ठीक है, इसका के तीन ऑप्शन दिए गए हैं। ये कौन सा सियारा है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट या कूलेस्ट? तो इसका जवाब है लार्जेस्ट, यानी कि हमारे निजामे शमसी का सबसे बड़े सियारे का नाम जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी सेल्स नीड गैस टू स्टे अलाइव। हमारे जिस्म के सेल्स को जिंदा रहने के लिए किस गैस की जरूरत पड़ती है? तीन ऑप्शन हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितनी इकसाम के होते हैं? तीन ऑप्शन हैं, 1, 2, 4। तो इसका जवाब है 4, जिनके दांत चार इकसाम के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोमिक मैदे के अंदर हेल्प्स टू किल जर्म्स। मैदे के अंदर जरासीमों को किस चीज से मारा जाता है? तीन ऑप्शन हैं, एसिड, साल्ट। तो इसका जवाब है एसिड, और वो एसिड का नाम होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, ए पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड। आलू क्या होता है? इसके तीन ऑप्शन हैं, रूट, एक जड़ है, स्टेम, तना है या बल्ब है। तो इसका जवाब है स्टेम। आमतौर पे हम आलू को एक जड़ समझते हैं, तक ये एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड। बीजों के अंदर स्टार्च के अलावा और क्या स्टोर किया जा सकता है? तीन ऑप्शन हैं, ऑयल, वाटर या शुगर। तो इसका जवाब है ऑयल। इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी चीज का ऑयल निकालते हैं तो उसके बीजों से निकाला जाता है। देयर आर अबाउट डिफरेंट मिनरल्स इन आवर फूड। हमारी खुराक के अंदर तकरीबन कितनी किस्म की मिनरल्स पाए जाते हैं? तीन ऑप्शन हैं, 10, 15 या 20। तो इसका जवाब है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिनरल विच हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स इज। ऐसा कौन सा मिनरल है जो खून पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है? तीन ऑप्शन हैं, कैल्शियम, आयरन या सोडियम। तो इसका जवाब है आयरन। नेक्स्ट है, द गैस दैट प्लांट्स यूज फॉर मेकिंग देयर फूड इज। पौधे अपने खुराक बनाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तीन ऑप्शन हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई विच फीड ऑन डेड प्लांट्स इन द सॉइल आर कॉल्ड।
बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों गले सड़े और मुर्दा जानवरों और पौधों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? तीन ऑप्शंस हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या डिकम्पोजर्स। तो इसका जवाब है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स ऐसे जानवर होते हैं जो गली सड़ी और मुर्दा चीज़ों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस इज कॉल्ड। किसी लिक्विड का गैस में बदल जाने के अमल को क्या कहते हैं? तीन ऑप्शन हैं, एवेपोरेशन, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। तो इसका जवाब है एवेपोरेशन। इसकी एग्जाम्पल ये है कि जब पानी को हम बुखारात में तब्दील कर देंगे तब हम इसको एवेपोरेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूल एयर हैज प्रेशर। ठंडी हवा का प्रेशर कैसा होता है? तीन ऑप्शन हैं, लो कम होता है, हाई ज्यादा होता है या नो। इसका जवाब है हाई, यानी कि ठंडी हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग कोल एंड ऑयल प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस सच एज। जब आप किसी भी किस्म के तेल या कोयले को जलाते हैं तो कौन से खतरनाक गैसें पैदा होती हैं? तीन ऑप्शन हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। उसका जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड ट्रेवल्स बेटर थ्रो एंड लिक्विड्स। यानी कि जो आवाज होती है वो सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर तेजी से सफर करती है? ऑप्शंस हैं, एयर हवा में से, वाटर पानी में से, सॉलिड्स या ठोस में से। तो इसका जवाब है ठोस में से। इनके लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड चीजों के अंदर से आवाज तेजी के साथ सफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड। नाखुशगवार आवाजों को क्या कहा जाता है? तीन ऑप्शंस हैं, नॉइस, शोर, म्यूजिक या वाइब्रेशंस। तो इसका जवाब है नॉइस, यानी कि शोर। नेक्स्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? तीन ऑप्शंस हैं, 110, 99 या 100। इसका जवाब है 100, यानी कि पानी 100 सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, द काइंड ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड। ऐसी फोर्स का क्या नाम है जिसकी वजह से तमाम की तमाम चीजों को जमीन अपनी तरफ खींचती है? तीन ऑप्शंस हैं, पुश, ग्रेविटी या अट्रैक्शन। इसका जवाब है ग्रेविटी, जिसको हम उर्दू के अंदर कशिश सकल भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इज। रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? इसके तीन ऑप्शंस हैं, 2,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड या 4,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जवाब है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर रोशनी 3,00,000 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा पीपीएससी एजुकेटर्स की प्रिपरेशन के लिए साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमने 50 प्लस एमसीक्यूज का जायजा लिया है, जो क्लास 1 से क्लास 10 तक की बुक से इकट्ठे किए गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका पार्ट 4 भी अपलोड किया जाएगा। और इस तरह के मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की न्यूज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।